अब खबरें विस्तार से। झारखंड में कोरोना महामारी की दूसरे लहर की सबसे बड़ी त्रासदी जमशेदपुर को उठानी पड़ी थी, जिसके बाद जिला प्रशासन, टाटा स्टील और सामाजिक संगठनों ने एकजुटता दिखाते हुए न केवल तेजी से त्रासदी को पीछे छोड़ा, बल्कि सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन मामले में भी राजधानी रांची को पीछे छोड़ दिया है। वहीं एक दिन में सर्वाधिक वैक्सीनेशन का कीर्तिमान भी राज्य में सबसे ज्यादा जमशेदपुर के नाम दर्ज हुआ है, जहां एक दिन में 42,000 लोगों को वैक्सीन दिया गया। इसको ध्यान में रखते हुए जमशेदपुर जिला प्रशासन की पहल पर टाटा स्टील के सहयोग से ऐतिहासिक कीनन स्टेडियम में इवनिंग वैक्सीनेशन सेंटर खोला गया। इस वैक्सीनेशन सेंटर का उद्घाटन करते हुए उपायुक्त ने कहा कि यहां शाम 3 बजे से लेकर रात 10 बजे तक वैक्सीन दिया जा सकेगा। उन्होंने बताया कि यह अभियान तब तक चलेगा जब तक वैक्सीन सेंटरों में भीड़ खत्म ना हो जाए। साहब नोडल अधिकारी हैं, जिनके नेतृत्व में हम लोग पूरे झारखंड में रांची जिला को बचाते हुए सबसे ज़्यादा वैक्सीन करवाने वाले जिले बन गए हैं। साथ ही साथ एक दिन में लगभग 42,000 लोगों को वैक्सीनेट करा के हम लोगों ने एक नया आयाम हासिल किया। तीनों एक ट्राइपार्टाइट ज्वाइंट एफर्ट का जो नतीजा है वो आज के दिन में यहाँ पर हम लोग को दिख रहा है, जहाँ पे पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर की मैनेजमेंट जो है वो टाटा स्टील के द्वारा की गई है। जो वैक्सीनेशन की सप्लाई और सुपरविजन है वो एच डी साहब के नेतृत्व में जो हमारी टीम है उनके द्वारा किया है। केयर की जो टीम है उन्होंने वैक्सीनेशन वेरीफायर जो है सारा वो हम लोगों को दिया है। यहाँ एक बहुत अच्छा आयाम है, जहाँ पे सिविल सोसाइटी, इंडस्ट्रियल बॉडी और जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग जो है पूरा कमाइन होकर काम कर रहा है। राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा विधानसभा में अलग से नमाज कक्ष आवंटित किए जाने के फैसले का भाजपा पुरजोर विरोध कर रही है, जहां राज्य भर में सोमवार को भाजपा के द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। जमशेदपुर जिला भाजपा के द्वारा भी इस दौरान साक्षी गोलचक्कर पर धरना दिया गया। यहां सामूहिक रूप से हनुमान चालीसा का पाठ भाजपाइयों ने किया। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एवं विधानसभा अध्यक्ष के फैसले का पुरजोर विरोध करते हुए जोरदार प्रदर्शन किया गया। भाजपा नेताओं ने कहा कि मुख्यमंत्री केवल तुष्टीकरण की राजनीति कर एक विशेष समुदाय को खुश करने का प्रयास कर रहे हैं, वो भी लोकतंत्र के मंदिर में, जो किसी भी हाल में सही नहीं है। इन्होंने कहा कि अगर ऐसा ही फैसला लेना है तो सभी धर्म के लोगों के पूजा पाठ के लिए अलग से कमरों का आवंटन करें। इन्होंने कहा कि इस आंदोलन को चरमबद्ध तरीके से भाजपा चलाएगी और इस फैसले को सरकार को वापस लेना होगा। देखिए, पिछले दिनों लोकतंत्र का मंदिर विधानसभा, जिसे हम लोकतंत्र का मंदिर मानते हैं, ये हेमंत सोरेन की सरकार जो चादर और फादर को खुश करने में लगी हुई है, सिर्फ चादर और फादर के इशारे पर हेमंत सोरेन जी ने अपने विधानसभा अध्यक्ष को ये कहा कि आप विधानसभा भवन में नमाज पढ़ने के लिए एक कक्ष का आवंटन करिए। उनके विधानसभा अध्यक्ष ने नमाज पढ़ने के लिए विधानसभा भवन में एक कक्ष का आवंटन किया है, जिसका भारतीय जनता पार्टी विरोध करती है। वो लोकतंत्र का मंदिर है, क्या उसे आप समुदाय का अखाड़ा बनाओगे? अगर विधानसभा में नमाज कक्ष का आवंटन होगा तो हमारे हिंदू धर्म, सनातन धर्म को मानने वाले लोगों के लिए माँ दुर्गा की आरती, भगवान बजरंग बली की चालीसा पढ़ने के लिए भी हमको स्थान चाहिए। हमारे जो ईसाई धर्म है, क्या उनको चर्च के लिए स्थान मिलेगा? जो सरना धर्म के लोग हैं, क्या उनका जायरा और सरना भी उस विधानसभा भवन में बनेगा? क्या जैन धर्म को मानने वाले लोगों की आराधना के लिए स्थान मिलेगा? क्या सूख समुदाय को अरदास के लिए स्थान मिलेगा? इसी के लिए वो जो नमाज कक्ष विधानसभा अध्यक्ष ने विधानसभा भवन के अंदर बनाया है, उस कक्ष का हम विरोध करते हैं। जमशेदपुर के गोविंदपुर इलाके के लोगों ने अपने जमीन पर दूसरे द्वारा कब्जा किए जाने के मामले को लेकर जिले के उपायुक्त से मुलाकात की, साथ ही अपने लिए न्याय की गुहार लगाई। यहां के लोगों के अनुसार क्षेत्र के एक बड़े भूखंड को तारनी गोप नामक व्यक्ति ने प्लॉटिंग के अनुसार बड़ी संख्या में लोगों ने खरीदा था और जमीन का रजिस्ट्री और मोटेशन भी हो चुका है और वर्षों से जमीन के मालिकों के द्वारा ऑनलाइन रेंट भी सरकार को दिया जा रहा है। अब वहां के ग्रामीण जमीन पर अपना दावा कर रहे हैं और वहां बने बाउंड्री को
तोड़ रहे हैं। इस मामले को लेकर इन्होंने जिले के उपायुक्त से मुलाकात की, साथ ही न्याय दिलवाने की मांग की। मामला सर ये बड़ा गोविंदपुर का है। बड़ा गोविंदपुर में एक हरे कृष्णा स्टेट करके एक जगह है, उसी जगह हम लोग तारनी गोप से जो है जमीन लिए थे। लगभग 250 से 300 परिवार हम लोग वहाँ जमीन लिए हैं और पिछला 10 से 15 साल से हम लोग का जो है मोटेशन जो है कट रहा है। हम लोग सरकार को पैसा जमा कर रहे हैं। आज का डेट पर कुछ लोग गांव के लोग आकर कहते हैं कि ये हमारा ज़मीन है। हाँ, घर बना रहे हैं तो गांव के लोग जो है रोक रहे हैं, बोलते हैं कि नहीं बनाने देंगे। वो लोग अपना पिलर गाड़ लिए हैं और कहते हैं कि ये मेरा ज़मीन है। हम लोगों को वहाँ घर बनाना है। सीओ साहब जो है वहाँ पर जांच करवाएं, जांच करवा करके हमारा ज़मीन वापस करें। जमशेदपुर में कुड़मी छात्र युवा मोर्चा के द्वारा कुड़मी जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल किए जाने की मांग को लेकर देश के प्रधानमंत्री के नाम एक मांग पत्र जिले के उपायुक्त को सौंपा गया। इस दौरान इन्होंने कहा कि आज ही के दिन यानी 6 सितंबर 1950 को कुड़मी जाति अनुसूचित जनजाति के श्रेणी से बिना कारण के तत्कालीन कांग्रेस की सरकार ने बाहर कर दिया था और तब से लेकर आज तक कुड़मी जाति अपने हक को पाने के लिए आंदोलनरत है। इन्होंने कहा कि कुड़मी जाति देश के कई राज्यों में निवास करती है और सभी आंदोलनरत है। इन्होंने मांग पत्र के माध्यम से मांग की है कि जल्द से जल्द केंद्र और राज्य सरकार इस मामले पर ध्यान दे और कुड़मियों को इंसाफ दिलवाए। सन 1950 में आज ही के दिन प्रथमे कुड़मी समाज को जो कि अनुसूचित जनजाति के श्रेणी में शामिल थे, तत्कालीन केंद्र सरकार कांग्रेस की सरकार ने कुड़मी समाज को अनुसूचित जनजाति के श्रेणी से निकालने का कार्य किया और अज्ञात कारणों से निकालने का कार्य किया। उसके पश्चात कुड़मी समाज के लोग जो कि झारखंड, बंगाल, उड़ीसा, असम सहित राज्य के देश के अन्य राज्यों में निवास करते हैं, वह तब से आज तक आंदोलनरत है। परंतु तत्कालीन केंद्र सरकार से लेकर वर्तमान केंद्र सरकार तक एवं संबंधित देश के अन्य राज्य सरकार लगातार कुड़मी समाज को ये आश्वासन देते आ रहे हैं कि आपकी मांगों पर विचार किया जा रहा है, आपके जाति भाषा पर सर्वेक्षण किया जा रहा है, परंतु आज तक इस पर कोई ठोस निर्णय एवं पहल नहीं की गई। जमशेदपुर भूमिहार सेना की एक बैठक जुबली पार्क में आयोजित की गई, जिसमें गौरव राय को अध्यक्ष चुना गया जबकि मुन्ना सिंह को महामंत्री और कुणाल कुमार को कोषाध्यक्ष चुना गया। जानकारी देते हुए महानगर अध्यक्ष ने बताया कि संगठन का मुख्य उद्देश्य समाज में फैली कुरीतियों को जड़ से समाप्त करना और शिक्षा का अलख जगाना है। इसके लिए समाज के युवाओं को आगे आने की जरूरत है। उन्होंने नई कमेटी पर पूरा आस्था जताते हुए कहा कि नई कमेटी युवा और आत्मविश्वास से लबरेज है, जो समाज में फैली दहेज तथा अशिक्षा जैसी कुरूतियों को दूर करने में आगे आएगी। हमारे संगठन भूमिहार सेना जमशेदपुर महानगर का विस्तार किया गया, जिसमें अध्यक्ष पद, उपाध्यक्ष पद, महामंत्री एवं कोषाध्यक्ष पद का चुनाव किया गया। अध्यक्ष पद का दायित्व दिया गया है और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि पूरी निष्ठा और ईमानदारी से जो भी जिम्मेदारी दिया गया है उसका निर्वहन एवं पालन करूं। हमारा मकसद है कि हमारे समाज से जुड़ा हर व्यक्ति, हमारे समाज से जुड़ा गरीब एवं लाचार वर्ग को मैं जोड़ने की कोशिश करूंगा। शिक्षा और रोजगार क्षेत्र में कैसे हमारे समाज को, हमारे समाज के युवाओं को का मनोबल बढ़ाया जाए, कैसे उनका विकास किया जाए, यही हमारा मुख्य मकसद है। दहेज कुप्रथा जो चलते आ रहा है, ये कुरीति जो चलते आ रहा है, ये समाज से समाप्त हो जाना चाहिए। और जब तक युवा खुद आगे बढ़कर इसके खिलाफ, इसका विरोध में आवाज नहीं उठाएगा, तब तक ये कभी समाप्त नहीं हो पाएगा। जमशेदपुर के मानगो इलाके में झामुमो पार्टी के द्वारा सदस्यता ग्रहण अभियान चलाया गया, जहां सैकड़ों की संख्या में युवाओं ने झामुमो का दामन थामा। झामुमो युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष एवं वरीय नेताओं ने यहां युवाओं को पार्टी की सदस्यता दिलवाई। मानगो रोड नंबर 13A में इस बाबत एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां आफताब आलम के नेतृत्व में सैकड़ों युवाओं ने झामुमो का दामन थामा। इस दौरान युवा नेता अक्रम खान, झामुमो युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष बबन राय, पूर्व सांसद सुमन महतो एवं झामुमो केंद्रीय नेता शेख बदरुद्दीन मौजूद रहे। तमाम युवाओं ने इस दौरान पार्टी में माला पहनाकर
पार्टी में स्वागत किया गया। वहीं पार्टी के नेताओं ने कहा कि युवाओं का झुकाव सबसे ज्यादा झामुमो की तरफ है और राज्य के युवा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रति युवाओं का झुकाव और आस्था है और आने वाले दिन में सबसे ज्यादा युवा झामुमो शामिल होंगे। जितने भी युवा साथी है हमारे, जितने भी युवा है वो माननीय मुख्यमंत्री के कार्यों से प्रभावित होकर पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं और चुनाव से इसका कोई लेना देना नहीं है। आज चुनाव जब होगा तो पूरी दमखम के साथ जो है झारखंड मुक्ति परिवार जो है इलेक्शन लड़ेगा और जीतने का भी संभव। ठीक है, आज जो भी लोग ज्वाइन किए हैं राजू भाई के ये में जो है ना लगभग 150 युवा ज्वाइन किए हैं, इसमें से एक दो जो है वो पिछले पहले कांग्रेस में थे, बाकी जो भी लोग जुड़े हैं सब नए जुड़े हैं। युवाओं का काफी झुकाव है और आप लोग को देखने मिलेगा आगे चलकर कि झारखंड में अगर कोई सबसे ज्यादा पार्टी में सबसे ज्यादा युवा दिखेगा तो झारखंड मुक्ति मोर्चा में दिखेगा। पार्टी एक सेकुलर पार्टी है झारखंड मुक्ति मोर्चा, हर काज के लिए खड़ी रहती है पार्टी, बस ये सब देखते हुए और इसमें जो जुड़े हुए नेता है उन लोग को मेहनत को देखते हुए उन लोगों के साथ मैं जुड़ा हूँ। पार्टी जिम्मेवारी देंगे तो मैं उसको बहुत अच्छे तरीके से निभाऊंगा। जमशेदपुर के मानगो स्थित साउथ पॉइंट स्कूल परिसर में बीरबल महाराज ट्रस्ट के द्वारा शिक्षक दिवस के मौके पर शिक्षकों के सम्मान हेतु सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जहां क्षेत्र के तमाम शिक्षाविदों को सम्मानित किया गया। शिक्षक प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में अहम हिस्सा होता है और उनका सम्मान सभी को करना चाहिए। इस मकसद को लेकर ट्रस्ट के द्वारा इस सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जहाँ क्षेत्र के शिक्षकों को अंग वस्त्र प्रदान कर उन्हें सम्मानित किया गया। ट्रस्ट के संरक्षक ने कहा कि इस तरह के सम्मान समारोह का आयोजन कर हम अपने शिक्षकों के प्रति प्रेम का इजहार कर रहे हैं। बीरबल महाराज ट्रस्ट के अंतर्गत चलने वाले विद्यालय एसडीएम हाई स्कूल और साउथ पॉइंट स्कूल के बैनर के नीचे प्रत्येक वर्ष हम लोग शिक्षक दिवस मनाते हैं। आज भी उसी प्रारूप में हम लोग शिक्षक दिवस मनाए, साथ ही इस बार हम लोग क्योंकि कोरोना काल में सभी घर में थे, हमारे जो बड़े बुजुर्ग सीनियर टीचर्स वगैरह जो रिटायर्ड टीचर, तो हम लोगों ने उनको एक सम्मान समारोह करके एकत्रित किया और करीब 50-60 टीचर शिक्षकों को जो रिटायर हो चुके हैं उनको एकत्रित करके उनको सम्मानित किया। सब एक दूसरे से मिले और इस कोरोना काल में जब एक दूसरे से मिले तो बहुत ही प्रसन्नचित मुद्रा में दिखे, उन्होंने हमें अपनी शुभकामनाएं भी दी। आनंद मार्ग यूनिवर्सल रिलीफ टीम ग्लोबल के द्वारा 6 सितंबर को कौशिकी दिवस मनाया गया, जहां कोरोना नियमों का पालन करते हुए सभी ने अपने अपने घरों में ही रहकर कौशिकी नृत्य किया। गौरतलब हो कि आज ही के दिन वर्ष 1978 में भगवान श्री श्री आनंद मूर्ति जी ने कौशिकी नृत्य का जन्म दिया था। मुख्य रूप से इस नृत्य का अभ्यास करने से ही शरीर निरोग रहता है, शरीर के भीतर उत्पन्न होने वाले 22 रोगों को दूर करने की क्षमता इस एक नृत्य में है। साधकों के अनुसार इस नृत्य से मनुष्य दीर्घायु भी होता है। इस खास दिवस पर सभी ने अपने घरों में रहकर कौशिकी नृत्य का अभ्यास किया। आज 6 सितंबर है जिसे कौशिकी दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। आज से 43 वर्ष पूर्व स्वास्थ्य विज्ञान में योग विज्ञान में एक नया अध्याय जुड़ा। आनंद मार्ग के प्रवर्तक भगवान श्री श्री आनंद मूर्ति जी ने कौशिकी नृत्य देकर मातृशक्ति का नारी जाति का कल्याण किया। ये कौशिकी नृत्य शरीर के 22 व्याधियों से मुक्ति दिलाता है। कौशिकी के करने से सिर से पैर तक के प्रत्येक अंग सभी ग्लैंड्स का व्यायाम होता है। यह हमें दीर्घायु बनाता है, यह एसिडिटी को दूर करता है, यह हर्निया एपेंडिसाइटिस को ठीक करता है, बात रोग चाहे वह हाथ का हो पांव का हो कंधे का हो यह बात रोग को ठीक करता है, यह हमारे अंदर जो मानसिक अवसाद है उसको ठीक करता है। जमशेदपुर के गोलमुरी स्थित सीपी समिति स्कूल प्रांगण में शिक्षक दिवस के मौके पर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के चित्र पर माल्यार्पण किया गया। स्कूल में इस दौरान छात्र के द्वारा रंगारंग नृत्य प्रस्तुत किए गए, वहीं स्कूल के तमाम शिक्षकों को यहां सम्मानित भी किया गया। स्कूल समिति के अध्यक्ष ने इस दौरान कहा कि इस विशेष दिन को हम अपने शिक्षकों को समर्पित करते हैं। शिक्षक हमारे जीवन का वो महत्वपूर्ण अंग होते हैं जो हमारे जीवन को सही दिशा प्रदान करते हैं।
दिवस के अवसर पर इस सभागार में सीपी समिति मध्य विद्यालय और राइजिंग सन इंग्लिश स्कूल दोनों के शिक्षकों का संयुक्त रूप से शिक्षक दिवस बच्चों ने मनाया है और 20 शिक्षकों को हमने सम्मानित किया है। बच्चों के द्वारा ही रंगारंग कार्यक्रम, सांस्कृतिक प्रस्तुति बच्चों के द्वारा हुई और शिक्षकों को आने वाले समय पर अच्छे शिक्षा का माहौल बनाना, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कैसे हो, बच्चों के भविष्य को किस प्रकार हम लोग कर्णधार बने, ऐसे सारे विषयों पर हम लोगों ने चर्चाएं की और शिक्षकों को बधाई दी। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, कल आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए AMG News की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।